Hey everyone, कैसे हो guys? Welcome back to my channel. तो आज हम फिर से मिस्टी के ऊपर प्रैंक करने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा था कि पिछली वीडियो में क्या हुआ था, मिस्टी ने हमें पकड़ लिया था. तो आज उस टास्क को हम लोग कम्प्लीट करेंगे और मिस्टी के नाक में दम करेंगे guys. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस इसमें हम लोग को क्या करना है, सोफा में पिन लगाना है ताकि मिस्टी जब वहाँ पर बैठे तो तो बस आगे देख लेना. वेल गाइस इसके लिए हमें एक पिन की ज़रूरत है जो कि मुझे यहाँ पे स्टोर पे नहीं मिल रहा है, तो शायद पिन मुझे उस घर में ही मिलेगा. तो चलते हैं इस घर की तरफ और यहाँ से मैंने कुछ हिंट्स ले लिए कि मुझे वो जो पिन है वो कहाँ मिल सकता है. पिछले टाइम भी हमें इसी टेबल पर मिला था, स्टिल पता नहीं मैं क्यों हिंट लेने के लिए गई, मुझे नहीं मालूम. ओके जो भी हो, तो हम यहाँ पे इसको रख देते हैं इस पिन को. और इसको हाइड करने के लिए हम लोग को पिछले टाइम में समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ से हाइड करना है, तो गाइस ये ऐसा होने था, इसको हमें इस तरह से हाइड करना था. और हम इसको हाइड जल्दी से कर देते ताकि मिस्टी हमें ना देख ले, वरना हमारी बैन बच सकती है. तो गाइस हमने सारा प्लान तो सब कुछ ठीक से कर ही दिया है, बस अब हम लोग को देखना है मिस्टी का रिएक्शन, जो देखकर मुझे बहुत ही मजा आने वाला है इस गेम में और आपको भी डेफिनेटली बहुत मजा आएगा. तो लेट्स गेट स्टार्ट. तो गाइस ये मिस्टी अभी स्टेयर से उतर रही हैं और जाके आराम से बैठेंगी और आराम फरमाएगी. तो देखते हैं गाइस अभी आएगा मजा, असली वाला मजा आएगा. तो ये हो गया, कैसा लगा मिस्टी आपको? यार बता नहीं, इनके हेयर जो स्टाइल है ना, ये लगता है जैसे लगता है जो मशरूम नहीं होते, मशरूम जैसे लगता है इनके हेयर के ऊपर मशरूम हो गया हो. मतलब ऐसे गंदा स्टाइल किसका रहता है भाई, इतना गंदा बेहुदा. तो गाइस ये है नेक्स्ट टास्क और इसमें हम लोग को एक मासूम किटी को निकालना है मिस्टी के चंगुर से. तो गाइस हमें क्या करना है कि मिस्टी के घर से उस किटी को निकालना है. और मिस्टी जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं खड़ूस हैं, जो कि वो एक मासूम किटी को अपने टॉर्चर रूम में बंद करके रखी है. तो गाइस वो मासूम किटी हमें टॉर्चर रूम में जाकर मिलेगी, तो लेट्स गो हम चलते हैं. मुझे पता है टॉर्चर रूम कहाँ मुझे मिलेगा. तो अब क्या है ना कि मिस्टी के घर में इतने सारे प्रैंक कर करके ना मुझे मिस्टी के घर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है. वेल लेट्स गो गाइस, मज़ा आएगा. हमारे एक मासूम किटी को हम लोग आज जान बचाने वाले हैं और आई होप कि भगवान से मेरा साथ दे, क्योंकि मैं एक पुण्य का काम करने जा रही हूँ. तो ये टॉर्चर रूम कहाँ है यार, ये टॉर्चर रूम अभी तो मुझे दिखा, मिल गया मिल गया मिल गया, ये रही किटी. और जल्दी से हमें अपना काम तमाम करने, हमें ना मिस्टी आ जाएंगी जल्दी जल्दी. ओके ये रहा की गाइस, क्योंकि वो लॉक है तो हमें की ज़रूरत पड़ेगी. तो यहाँ पे की मिल चुकी है और यहाँ पे हमने किटी को खोल दिया है और बस जल्दी से केज ओपन करना है. ये कंट्रोल कैसा अजीब सा होगा. ओह शिट शिट शिट, आ रही है आ रही है आ रही है मिस्टी, आ रही है गाइस. भागो 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 भागो, जल्दी से किटी को लेकर भाग रही हूँ मैं. एकदम रियल वाली फीलिंग आ रही है, जैसे लग रहा है मैं सचमुच में भाग रही हूँ, मिस्टी मेरे पीछे आ रही है. ओके तो गाइस ये सेकेंड प्रैंक भी कंप्लीट हो चुका है, हमने किटी को निकाल लिया है. ओके तो मज़ा आ गया मुझे सेकेंड प्रैंक को करके. तो गाइस ये है थर्ड प्रैंक और इसमें क्या करना है कि इसमें करना है मिस्टी का बर्थडे है, जो कि सबसे स्पेशल सब इंसान के लिए होता है उसका बर्थडे. तो आज हमें मिस्टी का बर्थडे बर्बाद करना है. तो गाइस के लिए हमें जो मिस्टी ने इतने प्यार से केक बनाया है, उस केक में क्रैकर्स लगाने हैं. तो लेट्स गो. तो केक एक्चुअली ना मैं जब थोड़ी कन्फ्यूज हो गई हूँ कि मुझे इसमें नहीं पता कि क्या करना, कि और सब टास्क थोड़े ईजी थे. अभी ये क्रैकर्स कहाँ मिलेगा, यहाँ पे दे रहा है तो हिंट तो दे रहा है. ओके लेफ्ट साइड में, ठीक है तो हमें घर के लेफ्ट साइड में मिलेगा. और जिस तरह से एंट्रेंस होता है ना उस तरह से लेफ्ट साइड, तो मुझे वो लगा लेकिन लेफ्ट साइड इधर होगा. तो हम लोग को वो जो क्रैकर्स है ना वो इसी रूम में मिलने वाले हैं. तो चलते हैं गाइस. ओके ये रूम थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर तो नहीं है ना, कि यहाँ भी नहीं है क्रैकर्स. ओके यहाँ भी नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है. ओके ये केक मिल गया, यही केक है क्या मिस्टी का? अरे यही बर्थडे केक है क्या? मुझे तो नहीं लगता ये बर्थडे केक है, पता नहीं गाइस मैंने ले लिया, उठा लिया है बस, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये केक से उनका बर्थडे मनने वाला, क्योंकि वाइट केक था ना तो मुझे लगता नहीं है कि ये केक है. स्टिल मैंने इसको उठा लिया है और ये क्रैकर्स चाहिए यार. और ना देखते हैं कि हम अपने प्लान में सक्सेस हो पाते हैं या नहीं, या फिर मिस्टी जो खड़ूस है एक नंबर की वो हमें पकड़ लेंगी. अरे भाई तो मैंने ये क्रैकर्स को ख़रीद लिया है स्टोर से
और यहाँ पे मिस्टी जा रही है दूसरे रूम में, तब तक हम यहाँ पे क्रैकर्स को लगा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ओके जल्दी से करना है भागू, और भी करनी थी क्या? ओ शिट यार, ये मिस्टी आ गई है, प्लान फ्लॉप हो गया गाइस, इसने हमें पकड़ लिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि ओके तो मिस्टी ने हमें पकड़ लिया है और हम बेवकूफ नहीं बना पाए, मिस्टी के ऊपर प्रैंक नहीं हो पाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय।